गाइस देखोगे, एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग 500 रुपए के आजूबाजू तो गया था और अभी अराउंड 300 के आजूबाजू आपको देखने को मिल रहा है सर। मतलब 500 वाली चीज है जो 300 में। देखो एक चीज तो मैं आपको हर बार बताता हूँ और आज भी मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा सर। देखिए कि सर स्टॉक गिर गया वो बात अलग है सर। देखो हमें सर कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना है कि कंपनी क्या करती है नहीं करती है, क्योंकि सर देखो होता क्या है कि जब आप कंपनी के बारे में जानोगे समझोगे देखोगे ना सर, तब आपको दुनियादारी पता चल जाएगी। आप केवल ये दिक्कत अंदाजा लगाओगे यार ये स्टॉक गिरा हुआ है ये अच्छा नहीं है, लेकिन सर ऐसे थोड़ी होता है, जजमेंट ऐसा नहीं होता सर, है कि नहीं? आपको देखना है। आप अगर बोलोगे कि भाई तुम्हारा तो शकल ही लगता है चोर जैसा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको चोर घोषित कर दोगे सर। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ शक्ल देख के आजकल के डेट में मतलब सरकार कानून नाम की जो चीज़ है सर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब संविधान वगैरह, ये सब नहीं चलता। क्या चलता है? तुम्हारा चेहरा देखने से लग रहा है कि भाई तुम क्रिमिनल हो, चलो इसको जेल में डालो। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है सर। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी कहीं पर कुछ होता है अदालत में कुछ भी होता है तो सर वो लोग दोनों पार्टी के सुनते हैं कि भाई ये पार्टी क्या बोल रहा है ये पार्टी क्या बोल रहा है, जो आज जज होता है सर, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो दोनों पार्टी की बातचीत सुनी जाती है कि भाई ये क्या बोलता है ये क्या बोलता है, फिर देखा जाता है कौन गिल्टी फाइंड आउट किया गया है कौन गलत है, उसके बाद वहाँ पर जो होता है सजा सुनाया जाता है सर। आप चेहरे देख के बोल दोगे कि भाई तुम तो पहले से ही लग रहे हो बचपन से कि तुम भाई गलती करते आ रहे हो, तुमने ही गलती किया होगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से क्या देखता है सर जज, वो देखते हैं कि भाई कौन गलत है कौन सही है कि नहीं, किस इंसान ने गलत किया नहीं किया, चेहरे देख के थोड़ी जज करेंगे। उस तरीके से सर स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं कि 500 रुपये से 300 रुपये आ गया, तो सर ये देख के थोड़ी जज करेंगे अरे यार ये तो गिर चुका है यही खराब कंपनी है। नहीं सर, क्या पता कल के डेट में ये 300 से, समझ रहे हो ना इशारा, समझ रहे हो ना सर 300 से सीधा, समझ रहे हो ना, सीधा रॉकेट बन जाए। तो फिर बोलने लगेंगे लोग पहले नहीं बताया, भाग गया तो बताया, ये हो गया तो बताया। अरे भाई कंपनी का नाम है एग्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड सर, ठीक है, देख सकते हो एग्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। तो आप ये मत बोलो पहले नहीं बताया सर, बताया तो आपको पहले ही जाता है। आपका दिमाग बाद में खुलता है सर, आपका दिमाग बाद में खुलता है और फिर दूसरों को ताना मारते रहो तो दम है तो आज बता दो आज कौन सी कंपनी अच्छा। अरे भाई आज भी अगर मैं बताऊंगा ना तो आज थोड़ी चल जाएगा, इसको भी सर साल दो साल का टाइम लगेगा, है कि नहीं? बच्चा पैदा होते ही सर डिग्री ले लेता है, अरे थोड़ी मतलब शर्म नाम की जो चीज़ है यार उसको रख लेनी चाहिए, है कि नहीं? बच्चा पैदा होता ही सर डिग्री ले लेता है और सर दूसरे दिन ही सर वो जॉब पे चला जाता है, नहीं ना, समझा करो। तो आज के रेट में अगर कोई अच्छी कंपनी बताऊंगा सर अगर मैं आपको तो वो भी टाइम लेगा, क्योंकि सर हम ट्रेडर नहीं ना सर, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन तो नहीं बता रहा हूँ कि भाई कल का टारगेट ये स्टॉप लॉस ये हिट हो गया वो ये, समझिए सर टाइम तो देना पड़ेगा, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो यही वो कंपनी है सर, ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में डायलॉगबाजी नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी। उसके बाद देखिए सर, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक कितना परसेंट गिरा हुआ है सर कितना परसेंट गिरा हुआ? लोग बोलेंगे भाई 31.51%, लोगों को यही लगता है गलत सर, कम से कम तो ये स्टॉक 35-40% गिरा हुआ। आप लोग बोलेंगे भाई अजीब आदमी है, जो लिखा हुआ भाई वो तो देख के बोलो सही है, इतने बड़े बड़े तुम डायलॉग मारते हो कम से कम लिखा हुआ है उसको तो सही रहने दो, लेकिन सर क्या करूँ गलत लिखा हुआ तो गलत ही बोलेंगे ना। आप लोग बोलेंगे गूगल गलत है तुम सही हो, नहीं सर। देखिए स्टॉक का 52-week हाई क्या दिखा रहा है? 530 रुपये सर, 530 रुपये का सर 52-week हाई दिखा रहा, करेक्ट है ना सर, 530 रुपये। और यहाँ हाई क्या दिखा रहा है सर? 486 रुपीज़ दिख रहा है ना सर, 486 रुपीज़। और इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो सर ये आपको गिरावट कितने का दिखा रहा है? 30। तो आराम से अगर देखेंगे तो 35% तक का आजूबाजू, उससे ज़्यादा ही गिरावट आपको देखने को मिल रहा है सर इसमें, 35% से ज़्यादा ही गिरावट आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ से जो 35% तक को गिरावट देखने को मिल चुका है, मुझे लगता है अराउंड यहाँ पर जो है 15% तक का थोड़ा बहुत 15 या 18%, ज़्यादा से ज़्यादा वाला 18% सर, ज़्यादा से ज़्यादा तो 18% के आजूबाजू 15 या 18% की गिरावट यहाँ से और देखने को मिल सकता है सर, मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है सर। एग्जैक्ट मत लेके चलिएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सर कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता, ट्रेडिंग में होता है। जैसे आप लोग बोलते हो सर मैं कैसे बोल सकता हूँ कंपनी अच्छी है, देखो कंपनी के बारे में जानोगे तो आपको भी अच्छा लगना स्टार्ट होगा। कुछ जानकारी दे देता हूँ क्योंकि सर अगर मैं पूरी जानकारी देखने बैठूंगा ना तो कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम तो सर 10 से 15 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे ऐसा। तो देखो ये जो कंपनी है ना सर, चार्जिंग ईवी से रिलेटेड चार्जिंग के लिए काम करती है सर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सर ये क्या करती है, उसके जो चार्जिंग वगैरह होते हैं ना सर उससे रिलेटेड काम करती है, और भी लगभग जो है पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तो काम करती है और भी बहुत सारी चीज़ों से काम करती है सर। अगर आप देखिएगा तो ये देखिए इनके पास ये है सर चार्ज से रिलेटेड ये होता है सर, ठीक है, ये है सर इनके पास प्रोडक्ट जो चार्जिंग से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं सर, ये लोग ये देख सकते हैं इस तरीके से ये लोग बनाते हैं सर, ठीक है,
बनाते हैं। तो ये बड़े लेवल में ये लोग बनाते हैं जहाँ पर लगभग जो कार वार वगैरह जो है यहाँ पर आराम से चार्ज किया जा सकता है सर, बहुत आसानी से आप कार चार्ज कर सकते हो यहाँ पर, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलता है सर यहाँ पर। और इस कंपनी के पास देखोगे ये कंपनी बोलिए 61,000 तक ईवी चार्जिंग जो है सर ये इंस्टॉल कर चुकी है। सोच लो 400 लोकेशन में सर, कितने 400 लोकेशन में 61,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जर हुए ना सर, ये इन्होंने अक्रॉस 400 लोकेशन में सर इंडिया के अंदर इन्होंने ये कर रखा है सर ऐसा। और देखोगे केवल 3 दिन पहले ये खबर आई है, डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ डेट आप चाहो तो सर यहाँ पे देख लो, केवल 3 दिन पहले ये खबर आई है मारुति की तरफ से, मारुति ठीक है, मारुति सुजुकी सेटअप 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सर अहेड, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देख सकते हो सर लॉन्चेस 25,000। एक अकेला मारुति सुजुकी को सर इतना ज़्यादा जो है चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी सर। अब ये किसको मारुति इतने बड़े लेवल में सर कार बनाकर सेल करता, पता भी है आपको मारुति हर महीने कितने गाड़ियाँ बेच देता है सर एक्सपोर्ट, जैसे कि इंडिया के अंदर मिलाकर और बाहर, इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक लेवल पर है और एक्सपोर्ट को मिलाकर, तो सर 1.7 लाख 1,70,000 गाड़ियाँ जो है बेच देता है सर। सोच लो इंडिया के अंदर इतने सारे कंपनी हैं सर, बिना चार्जिंग स्टेशन का काम कैसे होगा। ये तो सर मारुति सुजुकी ने अभी इनिशियल लेवल पे सर ये मतलब ये बोला कि 25,000 जो है हम चार्जिंग स्टेशन के लिए काम करेंगे, आने वाले दिनों में सर ये कम से कम तो इनको 1 से 2 लाख चार्जिंग स्टेशन तो मतलब बनाने करने पड़ जाएंगे सर आने वाले 5 सालों में सर। और ये सर पूरे लगभग जो है इंडिया के बड़े लेवल पर ये इसको ज़रूरत पड़ेगा सर, बहुत बड़े लेवल पर। और ये पावर सिस्टम के लिए भी कंपनी बहुत बड़े लेवल में ये काम करती है सर, उसके अंदर अगर देखोगे तो कंपनी के पास 16% तक का मार्केट शेयर है सर, जो कि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। किस में? तो डीसी पावर सिस्टम मार्केट में सर, डीसी पावर सिस्टम में सर ऐसा है। और कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो लिथियम आयन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अराउंड 4,70,000 से भी ज़्यादा सर इस कंपनी ने तो सर लिथियम आयन बैटरी से बना के इसको जो है ये जो एप्लीकेशन और सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दे रखा है सर, क्योंकि ये चार्जर वगैरह बनाते हैं तो सर इसमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये है सर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, आप अपने घर में भी ले जाके चार्ज कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी चार्ज कर सकते हो सर, ये आपकी मर्जी यहाँ पर रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत सारे सर इनके पास। और लगभग क्रिटिकल पावर प्रोडक्ट से ही सर ज़्यादातर ये कंपनी पैसा कमाती है, कभी 85% तो कभी 57% पैसा वहाँ से कमाती है सर। और इसको सर इसको बेचने के बाद सर ये लोग सर्विस भी यही लोग देते हैं, और ये लोग सर वहाँ से लगभग जो है 12-15% तक का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं सर। ईवी चार्जर से भी काफ़ी अच्छा ये लोग जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं सर। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है सर, ये कंपनी पैसा जो है 2% मतलब 100 रुपये कंपनी कमाती है ना, तो सर कंपनी 100 रुपये में से 2% तो ये कंपनी पैसा खर्च करती है अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है ये सोचने में सर। और इनका R&D सेंटर आपको लगभग जो हरियाणा आदि में देखने को मिलेगा, बेंगलोर कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन मतलब और बड़ा करने के लिए एक और न्यू प्लांट खोल रही है सर, वो आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना में सर, तेलंगाना में। अब सर आपको क्या लगता है कि जब ये कंपनी और नए नए प्लांट खोल रही है तो सर अपना पैसा डुबाने के लिए क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो रहा होगा तभी ना सर, 18% का CAGR यहाँ देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अभी आपको बताया जा रहा हर जगह में सर कंपनी इलेक्ट्रिक बस हो या LCV में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ों में सर कंपनी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ग्रो कर रही है सर, देख सकते हो। प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप देखो तो प्रीमियम सेगमेंट में भी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं सर 2024 और 2025 से कंपेयर करते हैं तो सर यहाँ पर। और कंपनी के पास सर काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, मतलब इंडिया के बाहर भी सर बड़े लेवल में ये कंपनी काम करती है, केवल इंडिया के अंदर लेवल में ही नहीं सर। ये देख सकते हो सर टेस्ला का क्या है सर, ये कार तो है लेकिन ये सर चार्जिंग, अगर चार्ज करने के लिए सही सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो सर टेस्ला का कार कौन खरीदेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पहले से बनाता है सर, सोच लो। तो ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी सर, याद रखिए कि आप लगभग लाखों का गाड़ी बेच दोगे, करोड़ों का बेच दोगे लेकिन उसमें चार्ज ही नहीं है तो सर वो बेकार हो जाएगा। तो इस टाइप के सर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, AC DC चार्जर सिस्टम जो भी होता है सब कुछ ये लोग इंस्टॉल करके देते हैं, नए नए प्लांट लगा रहे सर, कंपनी कुछ और ज़्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, मार्जिन को भी इंप्रूव कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी कंपनी जो है इंप्रूव करता हुआ नजर आ रही है सर। अगले वीडियो में मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन है हेड कंपनी का और किस तरीके से वो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में और काफ़ी बड़े लेवल में लेके जाए। इसके ऊपर कम से कम मैं और 8 वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे, अगर आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं रहेगा सर, कल की डेट में लॉस हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी रहेगी सर, केवल यहाँ पर सीखना है और जानकारी लेना है सर। और जो कल सर जो मैंने एंजल का ऑफर दिया था वो केवल 1 दिन के लिए था,
इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सर कि जिस दिन चीज़ें मिले उस दिन फ़ायदा उठा लिया करो, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपके लिए होता, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल डीमेट अकाउंट ओपन किया या जितने लोगों ने सर कल जो आपने लिंक वहाँ पर डाल रखा है डीमेट अकाउंट ओपनिंग में उनका प्रोसेस भी है, तो उनको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे सर। कल के डेट में जितने लोगों ने भी लिंक पर क्लिक किया है या आज के डेट में उनको मिल जाएगा बेनिफिट। अब सर जो है यहाँ से ऑफर बंद हो चुका है, मतलब जितने लोग ऑलरेडी वहाँ पर प्रोसेसिंग में हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है उनको नहीं मिलेगा, एक दिन का ही सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ें मेरे लिए बेनिफिट नहीं होता सर, मैं आपको देता हूँ। लोग बोल रहे हैं सर तुम अपने फायदे के लिए करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना नॉर्मल। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर ऑफर बंद हो गया लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो सर कभी और एक दिन दो दिन खोल दूंगा सर अगले महीने में, ठीक है, एक दो दिन और अगले महीने में खोल दूंगा ताकि जो लोग बचे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए। टेंशन ना लीजिए, पेशेंस रखिए, हो जाएगा आपका सारा काम। और अगर स्टॉक मार्केट में तो एंजल में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेगा, ठीक है, डीमेट अकाउंट पे बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में सर।